नमस्कार दोस्तों, उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों आज है 16 नवंबर, 16 नवंबर की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके मैं हाजिर हूँ, तो अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा और याद रखने का बेस्ट तरीका बताऊंगा, जिसके बाद आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, रिविजन की जरूरत नहीं है। बस छोटा सा एक कॉपी पेन लेके रख लीजिएगा जिसमें छोटे छोटे मैं नोट्स बनवाऊंगा, तो अंत तक देखिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ibpsguide.com पे आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा, जिसमें कि फ्री कंटेंट भी है, पेड कंटेंट भी है। जैसे कि आपको फ्री डेली क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फ्री मटेरियल्स मिल जाएंगे, फ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और बहुत हाई क्वालिटी का मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें कि आपको फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। तो इस वेबसाइट को जरूर चेक कीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस है दोस्तों? यह है सी ऑप्शन, निमोनिया डे। जी हाँ, निमोनिया डे जो है पूरे यूएनओ की तरफ से, यानी कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से स्मार्ट मेमोरी में आप क्या लिखिएगा नोट्स में, वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर, ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। और इसकी थीम क्या है? हेल्दी लंग्स फॉर ऑल। चलिए दोस्तों, वो तो हुआ वर्ल्ड, यानी कि यूएन उसको मनाता है, लेकिन इंडिया में इसको किस नाम से मनाया जाता है? तो इंडिया में इसको 12 नवंबर को हम लोग मनाते हैं पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, यानी कि इसको हिंदी में बोला जाए तो लोक सेवा प्रसारण दिवस। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है, जहां पे भी इंडियंस हैं वो इसको मनाते हैं। अब दोस्तों इसको क्यों मनाते हैं, तो इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है दोस्तों कि 12 नवंबर 1947 को आज़ादी के बाद हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, वो पहली बार ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन पे गए थे और उन्होंने अपना भाषण दिया था। ऑल इंडिया रेडियो है दोस्तों, वो पहली बार गए थे और सिर्फ एक ही बार गए थे, तो उसी को याद रखते हुए हम लोग क्या मनाते हैं, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर को पूरे देश भर में। ठीक है, इसको अभी आप स्मार्ट मेमोरी में कैसे लिखिएगा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे नवंबर 12। ठीक है, इसमें आप गांधी वगैरह भी लिख सकते हैं जिसकी वजह से आपको याद रह जाए। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा चुनाव 2019 के बाद सरकार बनाने में राजनीतिक दलों की अक्षमता के कारण तीसरी बार राष्ट्रपति शासन के तहत किस राज्य को लाया गया है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों प्रेसिडेंट रूल जो है वो अभी एक स्टेट में चल रहा है। तो ये कौन से स्टेट में चल रहा है? ये महाराष्ट्र में चल रहा है दोस्तों। अभी महाराष्ट्र में यहाँ पे असेंबली इलेक्शन हुए थे, जिसमें कि कोई भी पार्टी बहुमत हासिल करने में असक्षम रही थी, जिसके कारण क्या हुआ कि प्रेसिडेंट रूल आ गया। हाईएस्ट जो इसमें नंबर ऑफ वोट, नंबर ऑफ सीट्स के मामले में जो हाईएस्ट पार्टी थी वो कौन थी? वो थी बीजेपी विथ 105 सीट्स, जिन्होंने जीता है दोस्तों। ठीक है, और टोटल सीट्स कितनी चाहिए थी आपको? टोटल थी 288 थी, तो आपको मिनिमम 144 आपको चाहिए था, 144 या 145 आपको चाहिए थे, लेकिन कोई भी हासिल नहीं करी। चलिए महाराष्ट्र के ऊपर बताया जाए, तो महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई, अभी सीएम कोई भी नहीं है तो नील है, और भगत सिंह कोशियारी जो है इसके गवर्नर है। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही अभी यहाँ के रूल करेंगे। वैसे प्रेसिडेंट रूल होता है, लेकिन रूल जो है वो गवर्नर ही करते हैं, उनका ही रूल चलता है। तो भगत सिंह कोशियारी बहुत इंपॉर्टेंट नेम हो गए हैं अभी, इसको याद रखिएगा। और जहां तक स्मार्ट मेमोरी की बात रही, तो इस तरह से आप लिख के कर सकते हैं कि तीसरी बार। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उस चक्रवात का नाम बताइए जिसने हाल ही में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को मारा था, यानी कि वहां पे हिट किया था दोस्तों। कौन सा था ये? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, ये था बुलबुल। जी हाँ दोस्तों, बुलबुल जो था इस साइक्लोन का नाम था, जो कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आया था। काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्ती भी इन्होंने की है, तो ये था नाम बुलबुल, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। असम राज्य आयोग द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने चाइल्ड की प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन निकाला है। ठीक है, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक कंसेप्ट है और असम के गवर्नमेंट ने इसको निकाला है। तो इसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? ये जो है शिशु सुरक्षा ऐप। अब देखिए, इसके ऐप में ही नाम है शिशु सुरक्षा ऐप, और आपको क्या बोला गया था कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड में मतलब शिशु हो गया, सुरक्षा मतलब आपका प्रोटेक्शन हो गया, तो शिशु सुरक्षा ऐप आप याद रख लीजिएगा। इसको स्मार्ट मेमोरी में आप इस तरह लिख सकते हैं, शिशु सुरक्षा ऐप, असम प्रोटेक्शन राइट ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, बस ये नोट आप अपने कॉपी पेन में लिख लीजिए, ताकि रिवीजन के वक्त आपको आसानी से याद आ जाए। चलिए असम के ऊपर बढ़ रहे हैं। तो असम के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्या है? दिसपुर इसका कैपिटल है, आप याद रखिएगा, गुवाहाटी नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि गुवाहाटी है, नहीं, दिसपुर इसका कैपिटल है। असम के सीएम कौन है? तो है ये सर्बानंद सोनोवाल, इनका नाम भी काफी बार आता है, तो इसको भी याद रखिएगा। और इनके
गवर्नर हैं जगदीश मुखी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित खाद्य प्रसंस्करण में प्रौद्योगिकियों की प्रदर्शनी की मेजबानी की? ठीक है, तो इसका इंग्लिश में बोला जाए तो एग्जीबिशन ऑफ टेक्नोलॉजीज इन फूड प्रोसेसिंग डेवलप्ड बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यू दिल्ली, यानी कि हमारे नेशनल कैपिटल ने इसकी मेजबानी की। इस तरह से आप लिख दीजिए, न्यू दिल्ली होस्टेड टेक्नोलॉजीज इन फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग करके आप याद रखिएगा, न्यू दिल्ली होस्ट। ठीक है, चलिए अगले ऊपर बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है, ये किसके अंडर आता है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो कौन है? हर्षवर्धन। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन, आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। कंस्टिट्यूएंसी इनकी कौन सी है? चांदनी चौक न्यू दिल्ली है, ये यहाँ से एमपी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वित्त वर्ष 2020 के नवीनतम SBI GDP पूर्वानुमान क्या है? यानी कि क्या पूछ रहा है कि लेटेस्ट SBI GDP फॉरकास्ट फॉर द फिस्कल ईयर 2020, यानी SBI ने जो फिस्कल ईयर 2020 के लिए GDP का फॉरकास्ट किया है कि कितने रेट से ग्रोथ करेगी, कितने परसेंटेज, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा 5% से। ठीक है, ये SBI ने अनुमान लगाया है। चलिए SBI के ऊपर आए तो SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है। ठीक है, चाहे नंबर ऑफ इसमें रजिस्टर्ड यूजर्स हो उसके मामले में। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों? ये फुल्ली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है। चलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। मोस्ट ऑफ दी दोस्तों जो बैंकिंग सेक्टर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे RBI हो, SBI हो, तो उनके हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, इसको एक तरह से हमारा फाइनेंशियल कैपिटल भी मुंबई को बोला जाता है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन, SBI का टैगलाइन भी आप याद रखिएगा, कहीं भी पूछा जा सकता है, और खासकर आप बैंकिंग एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं तो ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब SBI के चेयरपर्सन कौन है? ये है रजनीश कुमार। स्मार्ट मेमोरी में आप किस तरह से लिखेगा? SBI GDP 5% 2020। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स एसोसिएशन यानी कि ACA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कौन सा है दोस्तों? इनका नाम है शेन वॉटसन। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के तरफ से खेलते थे, लेकिन अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है और ये लीग्स खेलते हैं, जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग भी ये खेलते हैं। ठीक है, और अभी कहाँ है? चेन्नई सुपर किंग के तरफ से खेल रहे हैं, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था और 2018 में जिताया भी था ट्रॉफी। शेन वॉटसन, प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन, इस तरह से आप नाम याद रख लीजिएगा। इसके लिए आपको एक और फैक्ट इंटरेस्टिंग बता दिया जाए, जिसके तौर पर आप इनको याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि क्रिकेट में सबसे ज़्यादा पैसा इंडियन क्रिकेटर्स कमाते हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेटर्स के अलावा सबसे ज्यादा पैसा कमाने पूरे वर्ल्ड में थे तो वो थे शेन वॉटसन, लगातार 5 सालों के लिए, 2011 से लेकर 2015 तक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आया है, मोहम्मद इमरान को भारत में डैश के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि जो मोहम्मद इमरान है वो यहाँ के हाई कमिश्नर होंगे नए, तो वो कौन सी कंट्री ने इन्हें नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। ठीक है, तो ये रहा इनका पिक्चर मोहम्मद इमरान का। इनको आपको इस तरह से याद रखना है, मोहम्मद इमरान, हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए बांग्लादेश के ऊपर आते हैं। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? वो है ढाका, ये तो आपको याद ही होगा। करेंसी है टाका, हम लोग कभी कभी यूज भी करते हैं इंडिया में भी टाका, 10 टका, 15 टका, तो वो टाका जो है वो कहाँ की करेंसी है? वो बांग्लादेश की करेंसी है। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये है शेख हसीना। इनका भी न्यूज में काफी नाम आता रहता है, तो इसलिए इनको याद रखना ईजी होगा आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली? यानी कि अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं 5 वर्ष के लिए, तो कौन है वो? उनका नाम है दोस्तों प्रवीण जुगनाथ। ठीक है, क्या नाम है? प्रवीण जुगनाथ जो हैं वो बनने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर आपके मॉरिशस के। ठीक है, तो प्रवीण जुगनाथ PM मॉरिशस करके आप इसको लिख लीजिएगा। आप देख सकते हैं फोटो में आपको PM दिख रहे होंगे जुगनाथ जी। मॉरिशस के ऊपर बढ़ते हैं, तो मॉरिशस का कैपिटल है पोर्ट लुइस, यहाँ की करेंसी है रुपी, मॉरिशियन रुपी जिसके हम लोग बोलते हैं, जैसे कि यहाँ की है इंडियन रुपी तो मॉरिशस की है मॉरिशियन रुपी। और दोस्तों यहाँ का कल्चर जो है मॉरिशस और इंडिया का काफ़ी ज़्यादा सेम है। आप देख सकते हैं कि इनका नाम जो है प्रवीण जुगनाथ है, जो कि इंडियन नाम है। ठीक है, तो ये चीज आप इसके लिए टाई अप बहुत अच्छा है, इसलिए आप याद रखिएगा। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? आपको अभी बता दिया कि प्रवीण जुगनाथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। डिजिटल मीडिया और मनोरंजन निगमों के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच इंडिया जॉय की मेजबानी के लिए कौन सा शहर तैयार है? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि इंडिया जॉय करके एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है डिजिटल मीडिया एंड इंटरटेनमेंट कॉर्पोरेशन के लिए। तो ये किस शहर में होने वाला है? ये होने वाला है हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ की कैपिटल है? तो ये जो आपका तेलंगाना है, जो सबसे न्यू फॉर्म स्टेट है, उसकी कैपिटल है हैदराबाद, ठीक है। और आपका जो आंध्र प्रदेश है, उसकी कैपिटल क्या है? अमरावती है। याद रखिएगा, अमरावती एक नया शहर बस रहा है। देखिए यहाँ इंडिया जॉय का जो है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगो वगैरह भी देख सकते हैं। ये जो होने वाला है 20 से लेकर 23 नवंबर में होने वाला है HICC हैदराबाद। तो इसको आप याद कैसे रखिएगा? इंडिया जॉय होस्टेड बाय हैदराबाद, ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। ब्राजीलिया में होने वाले 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिक्स होता है, वो ब्रिक्स समिट जो होता है इंडिया के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट है, इसलिए हमेशा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो खुद विजिट करते हैं। चलिए पहले ब्रिक्स के बारे में बताएंगे। पहले इसका सही उत्तर बता दिया जाए कि इस बार का जो थीम है वो क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेटिव फ्यूचर फॉर ब्रिक्स इकोनॉमीज, ठीक है। अब ब्रिक्स क्या है दोस्तों? ये एक संगठन है कंट्रीज का, जिसमें कि बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका दोस्तों पहले नहीं था, 2010 में इसको इंक्लूड कर गया, उससे पहले ये सिर्फ ब्रिक हुआ करता था। आप देख सकते हैं कि ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं और काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, तो इंडिया के लिए ये टाइप कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद विजिट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन से इस बार कहाँ हो रहा है? ब्राजीलिया में। ब्राजीलिया कहाँ की कैपिटल है? तो ये ब्राजील की कैपिटल है। आप देख सकते हैं बी फॉर ब्राजील, तो ब्राजील की कैपिटल है। यहाँ की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियल। रियल आप याद रखिएगा, तो ब्राजीलियन रियल। प्रेसिडेंट वहाँ के कौन है? तो ये है जेयर बोलसोनारो, ठीक है, जेयर बोलसोनारो। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा गणतंत्र दिवस 2020 में मनाने वाले हैं हम, उसके चीफ गेस्ट होने वाले हैं। उन्होंने हमारा जो इनविटेशन था वो एक्सेप्ट कर लिया। चलिए इसको याद कैसे रखिएगा? 11th ब्रिक्स समिट ब्राजील, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स समिट, आप याद रखिएगा। इसके बारे में आप गूगल करके ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहिए, क्योंकि ब्रिक्स जो होता है वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट समिट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। तो 2020 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट की सरकार के प्रमुखों की 19वीं परिषद की मेजबानी करने वाला दोस्त कौन सा है? तो यानी आप सिंपल सा बोलिएगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट यानी कि SCO 2020 कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है दोस्तों इंडिया में। इंडिया इसकी मेजबानी करने वाला है, ठीक है। तो इंडिया होस्ट 19th SCO समिट 2020, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया खुद इसको होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आप इसको याद रख लीजिएगा इस तरह से स्मार्ट मेमोरी में। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। तो एयर चीफ मार्शल RKS राकेश कुमार भदौरिया जी 58th इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में करेंगे, ठीक है। तो RKS भदौरिया जी जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एयर चीफ मार्शल हैं हमारे इंडियन एयरफोर्स के, ठीक है। और इनका जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रहा है वो कौन सी सिटी इसको होस्ट करेगी? तो ये करेगी बेंगलोर, ठीक है। तो बेंगलोर आप याद रखिएगा। बेंगलोर कहाँ की कैपिटल है दोस्तों? बेंगलोर कैपिटल है कर्नाटका की, ठीक है। RKS भदौरिया इनॉग्रेट 58th ISAM बेंगलोर, ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। चलिए इनका फोटो भी है, तो आपको आपके मानचित्र में छप जाए RKS भदौरिया का चेहरा, तो ये इनके लिए चेहरा दिया गया उनका। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। तो उस उपग्रह का नाम बताइए, यानी उस सैटेलाइट का नाम बताइए जिसने एलोन मस्क द्वारा संचालित SpaceX, आपको पता होना चाहिए कि एलोन मस्क जो हैं दोस्तों वन ऑफ द बिलियनियर हैं और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर है अभी प्रेजेंट एज के, इनोवेटर माने जाते हैं ये, मतलब इनकी स्टोरी जो है वो बहुत इंस्पिरेशनल है। आप YouTube पे या Google पे जरूर इनका नाम सर्च कीजिएगा, बहुत मतलब ये मतलब इनकी स्टोरी जो है वो आपको इंस्पायर बहुत करेगी। इनकी एक कंपनी है SpaceX, ऐसे तो बहुत सारी कंपनी है, SpaceX है जो सैटेलाइट्स बनाती है और ये प्राइवेट कंपनी है पूरी तरह से, को सस्ते वैश्विक इंटरनेट के लिए लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये सैटेलाइट का नाम बताना है जिसको सस्ते इंटरनेट के लिए किया गया है, तो ये है स्टारलिंक। दोस्तों SpaceX जो है वो रीयूजेबल रॉकेट लॉन्चर बनाता है। SpaceX के बारे में भी पढ़िएगा जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इलॉन मस्क के बारे में तो 100% पढ़िएगा। तो इलॉन मस्क रन्स SpaceX लॉन्च स्टारलिंक करके, ऐसे आप मेमोरी में याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की, ये दोस्तों कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए वन ऑफ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रख लीजिएगा और फिक्की के बारे में याद रख लीजिएगा। तो फिक्की ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कंट्री
फिनटेक एसोसिएशन बूस्ट कॉपरेशन फॉर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इंडिया, तो ये किस कंट्री के साथ किया है? तो इसका सही उत्तर होगा सिंगापुर के साथ। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर के साथ किया है। तो चलिए इसको स्मार्ट मेमोरी में आप इस तरह से लिखिएगा कि फिक्की एंड सिंगापुर डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इंडिया। फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है दोस्तों न्यू दिल्ली में। फिक्की के प्रेसिडेंट है संदीप सोम है, फिक्की के सेक्रेटरी जनरल है दिलीप चेनॉय और फिक्की के प्रेसिडेंट है उदय शंकर। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रेसिडेंट, तो ये रख लीजिएगा संदीप सोम है, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगर सिंगापुर के बारे में बात किया जाए तो सिंगापुर की जो कैपिटल है वो है सिंगापुर सिटी, याद रखिएगा सिंगापुर सिटी। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। टाइगर ट्राइम्प किस देश के साथ भारत का पहला संयुक्त त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है? HADR यानी कि फुल फॉर्म है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, यानी कि ऐसा कोई डिजास्टर वगैरह आएगा तो एक दूसरे की कंट्री दूसरे को हेल्प करेगी, तो इसके रिगार्डिंग में ये लोग मॉक ड्रिल करते रहते हैं कि ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग किस तरह से काम करेंगे। तो ये किस कंट्री के साथ इंडिया ने किया है दोस्तों? ये किया है USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका जिसको हम लोग बोलते हैं उसके साथ किया है। इसको आप स्मार्ट मेमोरी में इस तरह याद रख सकते हैं, इंडिया एंड USA ट्राई सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प, आप याद रखिएगा वो टाइगर ट्रम्प, ठीक है। चलिए USA के बारे में बात किया जाए तो उसकी कैपिटल यानी कि राजधानी है वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क नहीं है। मैं फिर से बता दूं, बहुत लोगों को न्यूयॉर्क लगता है, करेंसी है डॉलर, आपको पता ही होना चाहिए, और वहां के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। सुंदर सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये है क्वेश्चन, इसका उत्तर होगा दोस्तों जैवलिन थ्रो में, ठीक है। ये है सुंदर सिंह का पिक्चर, आप याद रखिएगा कि सुंदर सिंह जैवलिन थ्रो गेम से एसोसिएटेड है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, यानी चीफ जस्टिस किस स्टेट का उन्हें नियुक्त किया गया है, किन्हें? अजय कुमार मित्तल जी को। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ऊपर आए दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, वहां के CM है कमलनाथ जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं, मध्य प्रदेश के गवर्नर है लालजी टंडन, और ये हैं हमारे अजय कुमार मित्तल। इनका चेहरा अच्छे से देख लीजिएगा ताकि याद रह जाए। अब मध्य प्रदेश अजय कुमार मित्तल चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश ने ढाका के बाहरी इलाके में अपना पहला स्मार्ट सिटी और सबसे बड़ा न्यूजी टाउनशिप बनाने के लिए किसके साथ भागीदारी की है, किस देश के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चाइना, इंडिया नहीं चाइना, ठीक है। ये देख सकते हैं कि ये मीटिंग वगैरह हुई थी। अब चलिए चाइना के ऊपर आते हैं। तो चाइना बीजिंग है, करेंसी वहाँ की रेनमिनबी है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है जीपिंग, याद रखिएगा। चाइना बांग्लादेश फर्स्ट स्मार्ट सिटी ढाका, ठीक है। आपको बांग्लादेश भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है इंडिया के साथ, इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है बांग्लादेश की इंफॉर्मेशन और न्यूज़ वहाँ से। शेख हसीना अभी ऑलरेडी मैंने बांग्लादेश के बारे में आपको डिटेल्स दे रखा है, अगर नहीं याद है तो उनको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। वर्ष 2019 में हुए कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर साइबर हमले की पृष्ठभूमि में साइबर पार्टनरशिप स्थापित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा रशिया के साथ, ठीक है। आपको ये दिखा दे रहे हैं हम लोग कि ये कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का, इसमें साइबर सिक्योरिटी अटैक से बचने के लिए रशिया के साथ टाई अप किया है, जिसमें कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करेंगे लोग साथ में। चलिए रशिया के ऊपर बात कर लिया जाए तो उसकी कैपिटल है मॉस्को, फिर वहाँ की करेंसी है यूरो, क्योंकि एक तरह से ये यूरोपियन यूनियन में नहीं आता है, आपको पहले से ही बता दिए। और रशिया जो है दोस्तों वो किस कंटिनेंट में आता है? तो वो एशिया में आता है, लेकिन वहाँ करेंसी क्या है? यूरो, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं उनकी करेंसी यूरो है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन और वहाँ के PM है दिमित्री डेडवेड, ठीक है। चलिए इस तरह से आप स्मार्ट मेमोरी में याद रखिएगा, इंडिया एंड रशिया साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। ये कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट पावर प्लांट है, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। चलिए 22वें क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल कितने प्रतिशत लोग कैंसर के कारण मरते हैं? ठीक, देखिए यहाँ पर टोटल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट नंबर पूछा गया है, तो इस इंपॉर्टेंट नंबर को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट है, ये ऐसे इधर उधर से नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट कमेटी में रिपोर्ट में ये शामिल हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा 68% दोस्तों कैंसर के वजह से मर जाते हैं। आप सोचिए कि जो लोग मरते हैं उसमें से 68% लोग कैंसर के वजह से मरते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का खान पान जो है वो बहुत गलत तरीका है, हम लोग बहुत ज़्यादा पैकेज फूड खाते हैं, और कैंसर जो सबसे ज़्यादा होता है वो पैकेज फूड के वजह से होता है, जैसे बिस्किट्स मैगी जो भी हम लोग खाते हैं,
ब्रेड वगैरह जिसमें केमिकल यूज होते हैं, ट्रांस फैट यूज होते हैं, उसके वजह से कार्सोजेनिक होता है जो कि आपके कैंसर सेल को फैलाता है। तो इसके बारे में जानकारी पाएं, जागरूक बने दोस्तों, और खान पीन पे ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा हरी फल, हरी सब्जियां और ताजा खाना खाने की कोशिश करें, पैकेज प्रोडक्ट कम से कम खाने की कोशिश करें। इसको आप याद रखिएगा, पार्लियामेंट कमेटी रिपोर्ट, 68% पीपल डाई ड्यू टू कैंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नवंबर 2019 में नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना के लिए, एमएसएमई इकाइयों के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों एमएसएमई के बारे में बता दिया जाए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है, ये है दोस्तों एमएसएमई का फुल फॉर्म, इसकी एक अलग से मिनिस्ट्री होती है। तो ये कौन सा होगा, गुजरात, क्या होगा इसका, गुजरात ने एमएसएमई यूनिट के लिए अलग से एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं, मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया एमएसएमई के बारे में। यहाँ के जो इसके मिनिस्ट्री ऑफ इसके जो मिनिस्टर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, वो हैं नितिन गडकरी जी, ठीक है, नितिन गडकरी जी, ये हैं दोस्तों विजय रूपानी जी जो कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत, और गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। एमएसएमई के बारे में आप जान जाइएगा, अगर आप खासकर बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम दे रहे हैं तो एमएसएमई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, वो है, फिनटेक भी एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, आशा करते हैं कि आपको सारे इंपॉर्टेंट न्यूज मिल गए होंगे। दोस्तों अगर मिल गए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। इस चैनल पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, किसी भी तैयारी कर रहे हो, चाहे एनडीए, डिफेंस वगैरह की, तो सारा कंटेंट आपको यहां मिल जाएगा। साथ ही साथ आप ibpsguide.com को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे दोस्तों आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीडीएफ के साथ साथ आपको दोस्तों काफी सारा फ्री मटेरियल, फ्री कंटेंट मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, जरूर से जरूर चेकआउट करें और उमंग स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों फिर से कल मिलते हैं आपको 17 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है शुभम कुमार और मैं आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू।